गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो दोस्तों देखिए, आज हम बात करेंगे सीएसआईआर नेट एग्जाम में ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप कितने अटेम्प्ट कर सकते हो। तो देखिए, कोई भी एग्जाम हो दुनिया का, सीएसआईआर नेट का एग्जाम नहीं, दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, अगर आपको क्रैक करना है तो सबसे पहले आपको टॉपिक वाइज उनका आइडिया होना चाहिए कि हमें तैयारी करते टाइम कितना टाइम किस टॉपिक को देना है और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक कौन सा है। देखिए, ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री सीएसआईआर नेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनऑर्गेनिक से। तो देखिए, सबसे ज़्यादा मार्क्स के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इससे और एक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, दो टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आप कितने मार्क्स ले सकते हो इस एग्जाम में इस टॉपिक से। तो देखिए, देखते हैं। सबसे पहले, दिसंबर 2013 के अंदर इस एग्जाम में पूछे गए थे सीएसआईआर नेट में ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री से टोटल 28 मार्क्स के क्वेश्चन। उसके बाद जून 2014 के अंदर 34 मार्क्स के, और उसके बाद जून दिसंबर 14 के अंदर 34, 46, 40, 36 एंड 34। ये बात हुई दिसंबर से, दिसंबर 13 टू दिसंबर 16 तक। अब देखिए, इसके बाद देखिए जून 2017 के पहले, ये बात है जून 2017 के पहले। उसके बाद जून 2017 से यहां हमें पूछे जाते हैं पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट सी में क्या पूछा जाता था हमें, टोटल क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास 50, जिसमें से हमें 35 क्वेश्चंस करने होते थे। पार्ट सी के अंदर टोटल 75 क्वेश्चन और हमें 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते थे। अब क्या है कि हमें यहाँ 40 कर दिए गए हैं और करने 35, यहाँ हमें 60 क्वेश्चन कर दिए गए हैं और यहाँ 25। अब देखिए, जब क्वेश्चंस घटे हैं एग्जाम के अंदर, क्वेश्चंस घटे हैं तो क्या होगा, हर टॉपिक से वेटेज भी क्या हुई होगी, कम। तो देखिए, जून 17, अब जो हमें फोकस करना है वो ये वाला, क्योंकि जो लेटेस्ट जो अब पैटर्न चल रहा है वो ये वाला है। ठीक दोस्तों, तो हम बात करते हैं जून 2017 के अंदर कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं सीएसआईआर नेट में। टोटल 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन पार्ट बी के अंदर पूछे गए हैं और 5 क्वेश्चन पार्ट सी के अंदर, हमें टोटल मिले 24 मार्क्स। दिसंबर 17 के अंदर हमें टोटल मार्क्स 18 मिले, जिसमें से पार्ट बी के अंदर 1 क्वेश्चन था और पार्ट सी के अंदर 4 क्वेश्चन थे। जून 18 के अंदर देखिए, 2 क्वेश्चन पार्ट बी से हैं और 7 क्वेश्चन पार्ट सी में है, और टोटल 32 मार्क्स। यहां देखिए, दिसंबर के अंदर 2 क्वेश्चन पार्ट बी में और 6 क्वेश्चन पार्ट सी में और 28 मार्क्स, और अभी ये जो हमारा एग्जाम लेटेस्ट हुआ था इसमें कितने मिले, 20 मार्क्स। तो देखिए, हमें एक बात जो इससे हमें एक ओवरव्यू आइडिया मिल रहा है, तो वो क्या कह सकते हैं कि ये हमारे पास 4 एग्जाम 5 एग्जाम हुए पैटर्न चेंज होने के बाद, और इसमें कितने मार्क्स मिल रहे हैं, 24, 18, 28, 32 एंड 20। अब देखिए, इसमें से मैं ये बोल सकता हूँ कि पार्ट बी में हमें करने होते हैं 35 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन, उसमें से मैं ये बोल देता हूँ कि जो 40 क्वेश्चन होंगे, 40 में से 2 क्वेश्चन बोल सकता हूँ, 40 में से 2 क्वेश्चन आप कौन से अटेम्प्ट कर सकते हो ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री के, और पार्ट बी के दोनों क्वेश्चन क्या होते हैं, आसान होते हैं, तो 2 के 2 क्वेश्चन आप यहाँ से अटेम्प्ट कर सकते हो पार्ट बी में। पार्ट सी में देखिए, जो मिनिमम क्वेश्चन रहते हैं वो 4 मिनिमम क्वेश्चन जो है वो 4, 4 क्वेश्चन कम से कम आपको ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री से मिलते हैं। अब देख, सोच के देखिए, अगर आपको 25 क्वेश्चन टोटल अटेम्प्ट करने हैं, 25 में से 4 आपको पता है कि कौन से अटेम्प्ट करने हैं ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री के, तो अब ये देखिए, 4 क्वेश्चन, 25 में से 4 क्वेश्चन काफी हो जाते हैं एक ही टॉपिक से। तो आप मान के चलिए, कम से कम मिनिमम मैं लेके चलता हूं कि हमारे पास 6 क्वेश्चन ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री से आते हैं जो कि 20 मार्क्स के हैं। मिनिमम 6 क्वेश्चन पार्ट ए एंड पार्ट बी एंड पार्ट सी को मिला के 20 क्वेश्चन। आप 20 क्वेश्चन में से कितने अटेम्प्ट कर सकते हो, देखिए मैं ये नहीं बोलता कि आप 20 के 20 मार्क्स ले लोगे, ऐसा कोई नहीं है जो सारे क्वेश्चन एग्जैक्ट राइट करके आए। तो मैं एक आइडिया मान के चलता हूँ कि आप 1 क्वेश्चन अगर स्किप भी कर देते हो ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री का, तो 15 मार्क्स आप जब लोगे, जब आपके पास सिर्फ 6 क्वेश्चन मिलते हैं ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री से पार्ट ए एंड पार्ट बी एंड पार्ट सी को मिलाकर। तो देखिए, सबसे पहले मैं ये बोलता हूँ कि मिनिमम में 15 मार्क्स है। अगर यही क्वेश्चन जो जाते हैं, मान लो 25 के अराउंड,
मेरा आइडिया है जो इस बार का दिसंबर का एग्जाम होगा इसमें हमें 20+ की ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री मिलेगी, 20+। अब देख 25 की अगर केमिस्ट्री मिलती है तो आप आराम से उसमें से 18 से 19 नंबर आप इजीली स्कोर कर सकते हो। आपके अगर आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हैं, बेसिक्स आपका स्ट्रॉन्ग है ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री का, तो आप ये देखिए एक ही टॉपिक से 15 अगर हमें 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो, और अगर हमें 7 या 8 क्वेश्चन होते हैं तो हम 18 to 19 मार्क्स। ठीक है दोस्तों, अगर हमारे पास दो तो एक ही टॉपिक से हम इतना स्कोर कर पा रहे हैं सीएसआईआर नेट एग्जाम में। जैसा कि आप देख रहे हो कट ऑफ भी काफी वेरी करती है, कभी कम कभी ज्यादा, वो एग्जाम पैटर्न पे डिपेंड करता है। तो यूं मान के चलिए कि 15 से 20 नंबर के बीच का काम आप एक ही टॉपिक को कवर करके और आसानी से ले सकते हो सीएसआईआर नेट एग्जाम के अंदर। देखिए सीएसआईआर नेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा जो ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री का जो कोर्स चल रहा है उसमें हमने 4-5 टॉपिक कवर कर लिए हैं। तो यूं देखिए सबसे पहले हम ये इंपॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं, अगर इसको आप कवर करते हो साथ के साथ तो यूं मान लीजिए आपके 15+ मार्क्स क्या हो जाते हैं, सेफ हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, एंड थैंक यू एवरीवन। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि बिना स्ट्रेटेजी के हम कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते। एंड थैंक यू एवरीवन।